तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार कुत्ते पालना मेरा क्रेज है और उस शौक को पूरा करते करते उनकी कुछ खसलतें मुझ में भी डेवलप हो गई, तो अब मैं रू सुनते सुनते एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाता हूँ जहां मुझे होना चाहिए, बशर्त ये कि शख्सियत मेरी पसंदीदा हो। आई एम रियली सॉरी यार, तुम्हारे लिए मैंने बू का वर्ड यूज कर दिया, तुम्हारे लिए तो खुशबू बनता है राइट? ये सब तो ही मेरी बात है। तुम ये बताओ, मैंने सुना है कि इर्तिजा से निकाह करने वाली, इज दैट राइट? तुम तो जानते हो ना कि सदाम अंकल मेरे डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों ने रिश्ता भेजा, मेरे पेरेंट्स ने हाँ कह दी। बस इतनी सी बात और सब कुछ तय हो गया, रिश्ता भी फिक्स हो गया, डेट हो गई, बड़ी सरप्राइजिंग है। वैसे ये इर्तिजा में कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं है तुम्हें राइट? अच्छा देर हो रही है मेरे। ए, इतनी भी देर नहीं हो रही है, और अगर देर हो भी गई है तो क्या हुआ, रास्ता बदला भी जा सकता, सब कुछ करने को तैयार थी तुम मेरे, सब कुछ। ओ वक्त बदल चुका है नोमी। वक्त तो जा चुका है राइट, लेकिन नोमी अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ कि उसकी याददाश्त खो जाए, और मैं तो अब भी तुम्हारी स्वीट यादों के सहारे ही जी रहा हूँ। अच्छा अच्छा सीरियस, ऑन सीरियस नोट, मैं तुम्हारे अलावा आज तक किसी के लिए सीरियस नहीं, और तुम कहो तो मैं अब भी इसी वक्त तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। आफ्टर ऑल वी हैव बीन सच गुड फ्रेंड्स, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के राजों से भी तो वाकिफ हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, ये सही जगह है ना ये सही वक्त है इस तरह की बातें करने का, प्लीज। चलो कोई बात, जगह और वक्त मैं तुम्हें बता दूं, बाकी बातें बाद में तय कर ले, ओके? आई विल बी वेट। बाय। वेलकम 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 माय डियर स्वीटहार्ट। इतनी दूरी अभी तो इर्तिजा से शादी भी नहीं हुई यार तुम्हारी, अभी से इतना डिस्टेंस।
और इतना तुम्हारे गले का हार क्या बना? नोमी कैक्टस हो गया? कांटे हो गए मुझे भाई। नोमी, मैं तुम्हारे हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। प्लीज, तुम्हें हमारी परसों की दोस्ती का वास्ता। मुझे सुकून से इर्तिजा की जिंदगी में शामिल होने दो। तुम्हें तुम्हें हमारी बरसों पुरानी दोस्ती का वास्ता। हाँ, सब भूल जाओ। जो कुछ हमारे बीच में हुआ था ना, उसे भूल जाओ प्लीज। मैं जानती हूँ एक लड़का लड़की की दोस्ती में कुछ नजदीकियां आती हैं, कुछ नाजुक लम्हात आते हैं, गलतियां हो जाती हैं, पूरी जिंदगी का पछतावा रहता है। लेकिन नोमी, अगर कोई अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना चाहे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। तुम सोचो, तुम्हारी भी जिंदगी की नया आगाज होगा, तुम्हारी भी जिंदगी में एक लड़की आएगी। हाँ, तुम उसके बारे में सोचो ना। हाँ, बात तो ठीक है, सोचना भी चाहिए। सोचते हैं उस बारे में, तो सोच सकते हैं। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की हैं, इतने सारे वादे किए हैं, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया है मुझको, इर्तिजा को करीब लाने में, फिर उन्हें दूर ले जाने में यूज़ किया ना। अब सारे काम ख़त्म हो गए तो नोमी दूध में से मक्खी की तरह ऐसे। लेकिन मेरी जान सो गई, नोमी इतना पागल और बेवकूफ नहीं है जितना तुम खुद को होशियार और चालाक समझते। दोस्ती खत्म करना चाहती हो ना? हाँ, हमेशा के लिए। चलो दोस्ती खत्म करते हैं। लेकिन जानती है कि जब एक लड़की लड़के से दोस्ती खत्म करती है तो उसे क्या करना पड़ता? फेयरवेल देनी पड़ती है।